आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आप सभी का कल जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, किसका? एसएससी सीजीएल का। अब आज जिनका भी एग्जाम है, आपको एग्जाम में करना क्या है, मोटा मोटी बात बताऊंगा, ठीक से समझना। एक होता क्या है, पहले दिन एग्जाम होने के बाद हल्का सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पहले दिन के एग्जाम के बाद करना क्या है, लेकिन कुछ कुछ चीज अपने दिमाग में भी रखना। आप सभी ने देखा होगा कि अचानक पहले दिन पेपर इजी आता है, फिर पेपर हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर पहले दिन को देखने के बाद अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाया जाए, तो जैसे अलग अलग टीचर रिव्यू दे रहे हैं, आपने देखा होगा सभी जगह, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया हो तो आपको इंटरेस्ट होगा कि सभी का वीडियो देखना है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, आपने देखा होगा, तो आप एक आइडिया निकाले होंगे वहां से। सभी टीचर यही बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, हलवा आया था, लॉलीपॉप आया था, सब यही बोल रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर आसान तो था, लेकिन एग्जाम से निकलने के बाद इजी बोलना और एग्जाम टाइम पर बैठकर एग्जाम देना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हो आप सभी, जो पेपर था ना कल का, वो इजी टू मॉडरेट था, ये आप उस पेपर के लिए नाम दे सकते हैं। अब देखो एक चीज और याद रखना, आपको टोटल 100 क्वेश्चन नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है? पेपर कितना भी इजी हो, कट ऑफ 100 जाने वाला है नहीं, ये भी कंफर्म हो। तो एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर आप देखे होंगे, अगर मैं जीएस जीके और करंट अफेयर वाले सेक्शन को पकड़ू, इसको अगर पकड़ू और एक में पकड़ू इंग्लिश और एक में पकड़ू मैथ और एक में पकड़ू रीजनिंग, तो आप क्या प्लानिंग बना रहे हैं कल के लिए? थोड़ा सा तो प्लानिंग बनाए होंगे ना कि मुझे कैसे पेपर कल अटेंड करना है, क्या करना है। तो आज के पेपर के रिव्यू का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है, कि आप वहां से ग्रैब करो, ग्रैब मतलब पकड़ो, निकालो वो चीज कि आज के पेपर में कैसा पेपर आया था, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके बाद मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करना है कि नहीं करना है। यह सब होता है आपके एग्जाम के रिव्यू देखने के बाद आपको डिसीजन लेना। तो आप वहां से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है। मैंने पर्सनली रीजनिंग जितना करवा दिया है, औकात के बाहर है कि एसएससी उसका एक भी पेपर देगा। आप देखें ना, हर एक टॉपिक करवाए हैं, अगर मैंने लेवल यहां तक करवाया है ना, एसएससी आपके एग्जाम में यहीं तक देगा, सीजीएल हो, क्योंकि टॉप क्लास लेवल तक हर एक चैप्टर का मैंने करवा दिया है, टॉप क्लास तक, उसके नीचे लेवल रह रहा है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग में किसी को प्रॉब्लम है। अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है तो आप बोलेंगे भैया 23-24 तो रीजनिंग में कर आ जाएंगे आसानी से, ठीक है? अगर मैं बात करूं इंग्लिश का भी, आपने बहुत जगह रिव्यू देखा होगा, तो सारे टीचर यही बोल रहे हैं कि अगर कुछ दिन के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे सॉल्व कर लिया जाए, कुछ बेसिक अगर अच्छा सा कंसेप्ट कमांड हो, एग्जाम से पहले बहुत सारा मॉक टेस्ट दिए, पेपर को एनालाइज किए खुद, सेल्फ टेस्ट जिसको बोलते हैं, और मैंने भी आपको हजारों बताया है कि आप एग्जाम से कम 10-15 टेस्ट जो है वो देकर ही जाना एग्जाम देने, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। अब आपने ये सब भी नहीं किया है, इसका मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। आज के डेट में आप सभी को कम से कम 10-15 टेस्ट देकर जाना ही है, ताकि आप अपना गलती निकाल पाओ, आपका स्ट्रैटेजी बना पाओ, मैं कहां गलती हो रहा है। ये तो मुझे लगता है 100 में 90% लोगों ने ये किया ही होगा, कंफर्म है। जिन्होंने किया है, इंग्लिश में बिल्कुल डरने का बात नहीं है, आप 25 में ना ज्यादा नहीं तो आपको 25 से 25 नहीं करना है। और जैसा पेपर आ रहा है और जैसा बच्चों का क्या बोलते हैं रिव्यू आ रहा है, आप बोल सकते हो इसमें कम से कम 18 से 19 तो अटेम्प्ट हो सकता है भैया, मैथ की बात करें और करेंट अफेयर का। यहां पर थोड़ा आप जाना, अगर इस पोर्शन को देखा जाए तो मेरे बात से सब एग्री करेंगे, सबको एग्री करेंगे कि भैया आज के एग्जाम में ना करेंट अफेयर का जो क्वांटिटी था, जो वेटेड था, वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक। आई मीन टू से कि जो आपका करेंट अफेयर टॉपिक था इन कंपैरिजन टू पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अदर टॉपिक, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर का जो वेटेड था वो ज्यादा है इनके तुलना में, और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो अगर आपने मेरा करेंट अफेयर का वीडियो देखा है,
मैंने आपको यह नहीं पढ़ाया है किसी भी क्लास में कि आप एग्जाम से पहले 500-600 क्वेश्चन पढ़ लो इंपॉर्टेंट। मैंने हजार बार बोला है जब भी पढ़ाया करंट अफेयर आपको 11:30 बजे, यह बोला है अगर आपको कोई टीचर ऐसा बोलता है तो आपको वो क्या बता रहा है कि आप इतने क्वेश्चन पढ़ लो, अगर इसके अंदर से आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ये आपका लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। इनडायरेक्टली वही बोलना चाह रहा है अगर जैसे ही वो बोलता है कि 500 टॉप क्वेश्चन पढ़ लो। इसका मतलब मैं हमेशा बोलता हूं आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। महीना में अगर 400 क्वेश्चन है 400 क्वेश्चन पढ़ना है, 12 महीना में आपको पूरा पढ़ना है कितना 4800 क्वेश्चन, प्लस जो मैं लिखवाता हूं बोर्ड के ऊपर उसको जोड़ देंगे तो 8000 हो जाएगा, 7000 क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन करवा रहे आपको 11:30 बजे। और कल एग्जाम का रिव्यू भी दिखाए थे आपको कि हर एक क्वेश्चन, बच्चे बोल भी रहे थे भैया सब क्वेश्चन आया है। तो इसमें मुझे लगता है अगर थोड़ा सा कमांड करंट अफेयर को अच्छे से पढ़े तो आप बोलेंगे 25 में आप ना 21 से 22 नंबर आपको कहीं नहीं गया, सच्चाई बता रहे हैं। अगर आप एक अच्छी तैयारी किए हो तो, अगर प्रीवियस ईयर एसएससी के कुछ साल के 2-3 साल के पेपर भी सॉल्व किए होंगे ना हर एक शिफ्ट का, जीके जीएस का, तो आप कर करा जाओगे। अजात शत्रु किसका बेटा था, एग्जाम में ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था आप सभी का, नंदा डेंसिटी का लास्ट शासक कौन था, ये क्वेश्चन था एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन था आप सभी का, लंग्स के बीच में कौन सा ग्लैंड होता है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन उठाकर दिया गया था। अगर आपने कुछ दिन के क्वेश्चन को पढ़ा है प्रीवियस ईयर के प्लस करेंट को अच्छे से पढ़ा है तो आप इतना तो स्कोर कर ही सकते हो, साथ में 10-15 अगर टेस्ट मारा है तो। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी होता क्या है मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं मैथ का। देखो मैथ में ये नहीं बोलूंगा कि आपको 25 में 25 करना ही करना है, क्योंकि भैया मुझे पता है 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे टॉपर नहीं बनना है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो मैं बोलूंगा अगर यहां पर आप 17 से 18 भी आप अटेंड करेंगे ना, अलग अलग टीचर का, मैंने भी मैथ का पेपर आपको दिखाया है, आपको एक चीज वहां से देखने को मिला होगा, पेपर देखने के बाद आप सभी बोल रहे हैं पेपर तो आसान आया है, पेपर तो, आप सभी बोल रहे होंगे अरे पेपर तो आसान है। लेकिन आसान है इसका मतलब नहीं कि एग्जाम में बैठ कर आप 25 से 25 मार दो। हाँ, लेकिन इतना तो आसान है, इतना प्रैक्टिस है आप सभी के पास कि 17 से 18 तो आप कर ही सकते हो। तो कल के एग्जाम में क्या सोचना है आप सभी को, शांति दिमाग से मुझे 100 में 100 नहीं करना है, जो नहीं आएगा आगे बढ़ेंगे, उस पर हम अटकेंगे नहीं। वरना बहुत बार यह होता है मुझे पेपर इजी आ रहा है, मुझे सब करना है और कहीं एक सवाल में फंस गए तो पूरा का पूरा एग्जाम गोल हो सकता है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक सेफ साइड रख लेना, पेपर भले आसान आ रहा है, मैथ में 17 से 18 मुझे अटेम्प्ट करना है शांति दिमाग से। रीजनिंग भैया हम सो कर सकते हैं, सब अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश में 18 से 19 और करेंट अफेयर में अगर अच्छे से पढ़ा 21 से 22, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, इतना आपको कराना है कल के एग्जाम में कम से कम। यह आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कल के लिए, कम से कम ओवरऑल जो अटेम्प्ट बात करूं, ओवरऑल की बात करें, अगर ओवरऑल की बात किया जाए कितना करना है भैया हम सभी को कल के एग्जाम में, तो ज्यादा नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं 25 25 25 25 क्वेश्चन है आपका, 100 क्वेश्चन है आपको, जो है 72 से 73 जो है ये आपको ले जाना है। अभी भी आप इसको जोड़ दोगे ना, ये आराम से जा रहा है। देखो यहां 18 22 40 कितना होता है 57 57 20 जोड़ देंगे 77, मैं कम ही बोल रहा हूं 75 पार तो आराम से जा रहा है आपका, 75 प्लस इजिली जा रहा है, इजिली 80 पार भी जा सकता है। लेकिन 100 के चक्कर में बिल्कुल आप सभी मत पढ़ना, बिल्कुल नहीं, इतने के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक जिनका भी कल एग्जाम है, मैं रिव्यू तो आप सभी को दूंगा ही, और जो भी देता हूं जेन्यून क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो करवाता हूं, ठीक है ना। चलिए सभी को एग्जाम अच्छे से देना, बेफिक्र होकर, टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन का काम क्या है, आपका एग्जाम खराब करना। मान लो एग्जाम खराब चला भी गया ना, उसके बाद टेंशन रहेगा ही नहीं रहेगा, तो एग्जाम से पहले जो टेंशन है ना वो एग्जाम खराब करवाने का काम करता है। टेंशन मत लेना, पढ़े है ना अच्छे से एग्जाम में बिना माइंड फ्री होकर, ठीक है। चलिए